नमस्कार, पाकशालाबाई पुष्पलता चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर खाने के साथ चटपटा टेस्टी कुछ हटकर हो तो खाने का स्वाद दुगना हो जाता है। तो चलिए, खाने के स्वाद को कई गुना बढ़ाने के लिए आज हम बनाएंगे बिना प्याज लहसुन के हरी मिर्च की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। अगर आप इसे एक बार बनाकर खाएंगे तो यकीन मानिए आप इसे बार बार बनाना और खाना पसंद करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी को बनाने के लिए मैंने मोटी हरी मिर्च ली है। ये तीखी नहीं होती और बारिश के मौसम में ये इजीली मिल जाती है मार्केट में। और अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो हरी तीखी मिर्च को भी आप ले सकते हैं। हरी मिर्च को मैंने धोकर अच्छे से पोंछ लिया है और अब हम इस मिर्च में इस प्रकार से चीरा लगा देंगे। ये मिर्च तीखी नहीं होती है तो इनके बीज निकालने की आपको जरूरत नहीं है। सारी मिर्च को हम इसी प्रकार से चीरा लगाकर तैयार कर लेंगे। और इसके बाद हम थोड़ा सा अमचूर और थोड़ा सा नमक लेंगे। इनको आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक और अमचूर के इस मिश्रण को हमें इस प्रकार से हरी मिर्च में थोड़ा सा लगा देना है। ऐसा करने से हरी मिर्च का जो हल्का फुल्का तीखापन है वो भी हट जाएगा, साथ ही मिर्च खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगी। मिर्च हमारी तैयार हो चुकी है तो इन्हें एक तरफ रखेंगे। और अब हम मसाला तैयार करेंगे। तो मैंने लिया है 1 कप फेंटा हुआ दही। दही को हमें फेंट कर लेना है तो मसाला बहुत अच्छे से तैयार होगा। और अब हम डालेंगे इसमें कुछ रेगुलर मसाले। तो 1 टीस्पून डाला है हमने हल्दी पाउडर, 3 चम्मच डालेंगे हम धनिया पाउडर। धनिया पाउडर इस रेसिपी में ज्यादा अच्छा लगता है तो आप ज्यादा ही लें। और 2 चम्मच डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर। अब सारे मसालों को हमें दही में अच्छे से मिला लेना है। दही में सारे मसाले मिलाकर हम एक तरफ रखेंगे जिससे मसाले हमारे अच्छे से फूल जाएंगे। और चलते हैं अब गैस की तरफ, बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में हम 2 से 3 चम्मच ऑयल को गर्म करेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो हमने जो मिर्च तैयार करके रखी हैं उन्हें हम इसमें चम्मच से चलाते हुए हल्का सा फ्राई कर लेंगे। गैस फ्लेम को हमें मीडियम रखना है और चम्मच से इसे उलट पुलट करते रहना है। बहुत ही जल्दी 2 से 3 मिनट में ये मिर्च फ्राई हो जाती हैं। ये अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं तो हम इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे। और फिर इसी ऑयल में डालेंगे हम 2 चुटकी हींग, 1 और आधा चम्मच यानी 1.5 चम्मच डालेंगे हम जीरा, साथ ही डालेंगे हम 1 चम्मच सौंफ। धीमी आँच पर हमें इन्हें भून लेना है। इन सभी को भून लेने के बाद हम डालेंगे इसमें तैयार किया हुआ दही। गैस फ्लेम को हमें लो ही रखना है और लगातार चम्मच से चलाते हुए हमें दही वाले मसाले को भूनना है। दही वाले मसाले में जब तक हल्का सा उबाल ना आ जाए हमें तब तक इसे छोड़ना नहीं है। 1/2 कप पानी डालकर बचे हुए दही को भी हमने मसाले में मिक्स कर लिया है। बॉईल आने तक हम इसे फिर से चलाएंगे। मसाले में उबाल आ चुका है तो हम गैस फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे 2 से 3 मिनट पकाएंगे। 2 मिनट बाद हम गैस फ्लेम को धीमा कर देंगे और मसाले से तेल अलग होने तक हम इसे पका लेंगे। आप देख सकते हैं कि मसाले से तेल अलग होने लगा है, बढ़िया सी खुशबू आ रही है और मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। इस समय डालेंगे हम थोड़ा सा नमक। हमने मिर्च में भी नमक लगाया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। 1/2 टीस्पून डालेंगे हम इसमें गरम मसाला। लास्ट में हाथों से मसल कर हम इसमें कसूरी मेथी को डाल देंगे। कसूरी मेथी को पहले ही हमने तवे पर भून लिया है। इसके बाद मसाले में फ्राई की हुई हरी मिर्च को ऐड कर देंगे। हल्के हाथ से मिर्च को हमें मसाले में मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिलाने के बाद हम कवर करके इसे धीमी आंच पर 1 से 1.5 मिनट के लिए कुक करेंगे और उसके बाद गैस को ऑफ कर देंगे। लीजिए, चटपटी टेस्टी और खाने के स्वाद को कई गुना बढ़ाने वाली मिर्च की रेसिपी तैयार है। दही वाली फ्राई मिर्च की ये रेसिपी आपको इतनी ज़्यादा टेस्टी लगेगी कि सारी सब्जियों का स्वाद इसके सामने आपको फीका लगेगा। घर पर आप एक बार इसे जरूर बनाएं, ये सभी को बेहद पसंद आएगी। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और घंटी को बजाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें और हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।